देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सीक्वल। ठीक है, आपके कोर्स में है तो थोड़ा इसका ओवरव्यू देख लीजिए। आपको डाटा बेस के लिए जरूरत पड़ती है। सीक्वल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसके अंदर तीन तरह की लैंग्वेज होती है। एक DDL होता है जो कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। इसमें हम लोग डाटा बेस बनाना, टेबल बनाना, टेबल को क्रिएट करना, उसको चेंज करना, उसको ड्रॉप करना सीखते हैं। दूसरी कमांड होती है DML। इसमें हम डाटा के साथ खेलते हैं। इसमें हम लोग डाटा को इंसर्ट करना, उसको अपडेट करना और डिलीट करना सीखते हैं। तीसरी कमांड होती है DQL। इसमें हम डाटा से क्वेरी करना सीखते हैं, जैसे सेलेक्ट की कमांड, क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए। DBMS जो हम सीखने जा रहे हैं ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे डाटा को मैनेज करने में हमारी हेल्प करता है। तो किस तरह के काम करता है ये डाटा को स्टोर करवाता है, डाटा को चेंज करता है, डाटा को रिमूव करता है, डाटा को रिट्रीव करता है। तो ये सारे काम हमारे DBMS में हो जाते हैं। DBMS को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी दो तरह के DBMS सॉफ्टवेयर होते हैं। एक SQL नाम से होता है, एक NoSQL नाम से होता है। जो SQL नाम का DBMS होता है उसको हम RDBMS कहते हैं। इसमें जो डाटा होता है वो टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होता है और टेबल को आपस में हम रिलेशनशिप में लाते हैं, आपस में रिलेट कर देते हैं, इसलिए इसको रिलेशन कहा जाता है। इसमें आपका डाटा रो कॉलम में दिखाई देगा। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो RDBMS होते हैं, जैसे कि ओरेकल, MySQL, PostgreSQL, T-SQL, SQL सर्वर, ये सारे के सारे RDBMS होते हैं जो कि SQL का पार्ट होते हैं। तो इसमें सब ये वाला करने जा रहे हैं। दूसरी कैटेगरी जो होती है उसको NoSQL कहते हैं। इसमें डाटा टेबल में स्टोर नहीं होता, इसमें आपका डाटा एज अ फाइल स्टोर होता है। जैसे कोई फाइल बनी, जैसे डॉक्यूमेंट में आपका डाटा जाता है, इस तरीके से जाता है। इसके एग्जांपल है MongoDBMS, Cassandra। तो MongoDBMS NoSQL होता है, Cassandra NoSQL होता है। तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में SQL चलाना है तो SQL का सर्वर डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, जो कि ऑलरेडी है, MVC में बहुत प्रैक्टिस की है तो SQL में इतना भी पता है हमें टेबल कैसे बनता है। तो SQL सर्वर डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको अपने सर्वर को कनेक्ट करना होता है इसको स्टार्ट करने के लिए। तो SQL सर्वर पे सबसे पहले जब भी आप काम करेंगे तो दो सबसे इंपॉर्टेंट काम, डाटाबेस बनाना, यूज करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो कमांड चला के देख लेते हैं। SQL को स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे SQL। SQL सर्वर स्टार्ट होगा, यहाँ पर जाने के बाद ये आपके सर्वर का नाम होगा। आप यहाँ से सर्वर के नाम को चेक कर ले। ये जो सर्वर का नाम होता है ये आपके मशीन का नाम होता है। आप इसको कनेक्ट करें, सर्वर आपका कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद आप न्यू क्वेरी पर क्लिक करें। इसके बाद आपको क्वेरी करने के लिए एक विंडो मिल जाएगी, यहाँ पर आप अपनी क्वेरी बना सकते हैं। आपको देखना है कि इसमें पहले से कितने डाटाबेस बने हुए हैं, तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में बने हुए डाटाबेस दिखाई देंगे। आप प्लस पर क्लिक करें तो जितने भी डाटाबेस आपने पहले से बनाए होंगे सारे के सारे यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर कल को हमें कुछ अपना कोई नया डाटाबेस बनाना है तो हम उसे बना सकते हैं। उसके लिए कमांड होती है क्रिएट डेटाबेस, डाटाबेस का नाम। तो मैंने मान लीजिए डाटाबेस का नाम दे दिया YY। तो यहाँ पर ये मेरे को YY नाम से डाटाबेस बनाकर दे देगा, या फिर मैं इसका नाम दे देता हूँ DB नाम से। ठीक है, अब देखिए जानबूझ के मैं एक ऐसा नाम दे रहा हूँ जिससे मुझे एरर मिलने वाले हैं। वजह क्या है, ये DB नाम का डाटाबेस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले बना हुआ, तो कोई अगर डाटाबेस पहले से बना हुआ हो तो एक एरर आता है। एरर देखिए किस तरीके से आपको दिखाएगा, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर लें, नीचे एरर आ गया ये डाटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो इससे हमें पता लगा कि डाटाबेस हम वो बनाए जो पहले बना हुआ ना हो। तो मैं यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ डेटा, डेटा के बाद लिख देता हूँ ASP। तो अब हमने एक नया डाटाबेस बनाया जिसका नाम हमने दिया है डेटा ASP। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी डाटाबेस बन चुका है। अब हम इस डाटाबेस को यूज करेंगे। यूज करने के लिए आप लिखेंगे यूज और आपके द्वारा बनाया गया डाटाबेस का नाम। अभी आपका डाटाबेस यूज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर डाटाबेस बनाना और उसे यूज करना सीख लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे जो डाटाबेस आप यूज करते हैं उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी डाटाबेस को यूज कर सकते हैं। किसी भी डाटाबेस में जाने के बाद आपको सबसे पहले चेक करना होता है इसमें पहले से कितना टेबल बना हुआ है। तो किसी भी डाटाबेस को यूज करने के बाद हमें चेक करना होता है उसमें पहले से कितना टेबल बना हुआ है। अब अगर हम वो चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड होती है सेलेक्ट
start from sys dot tables. ये कमांड रन करके आपको सारी टेबल्स पता लग जाएंगे. रन कीजिए, इसमें कोई टेबल बना हुआ नहीं है. आप किसी दूसरे डाटाबेस को खोल के चेक कर सकते हैं. मान लीजिए मैं इस डाटाबेस में चेक करना चाहता हूँ AHP में क्या बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा AHP और इस डाटाबेस को यूज करेंगे. अब अगर मैं ये कमांड रन कर दूंगा तो ये उसके अंदर बनी हुई सारी टेबल्स बताएगा. देखो इसमें दो टेबल बना हुआ है. इस तरीके से हम डाटाबेस को यूज करते हैं और उसमें टेबल्स बनाते हैं. अब हम सीखेंगे टेबल को बनाना. तो अभी फिलहाल हमारे डाटाबेस एक यूज कर रहा है जिसका नाम है डाटा एएचपी और इसके अंदर पहले से कोई टेबल नहीं बना हुआ. टेबल को बनाने से पहले डेटा को पढ़ेंगे. तो सबसे पहले टेबल जब आप बनाते हैं तो उसमें डाटा स्टोर करते हैं. डाटा को स्टोर करने के लिए डाटा टाइप पढ़ना पड़ता है. ये हमारे डाटा को हैंडल करने में हमारी मदद करता है कि किस तरह का डाटा आप टेबल में स्टोर करना चाहते हैं. मान लीजिए आपको कोई न्यूमेरिक डाटा टेबल में स्टोर करना है. इसके लिए हमारे पास तीन तरह के डाटा टाइप होते हैं, इंट, बिगिंट और डेसिमल. इंट और बिगिंट होल नंबर स्टोर करते हैं जिसमें कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होती. इनका यहाँ पर आप साइज देख सकते हैं. अगर आप इंट यूज करते हैं तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी होती है, इससे बड़ा नंबर ये स्टोर नहीं कर पाएगा. उसके लिए आपको बिगिंट यूज करना पड़ेगा. इंट का साइज 4 बाइट होता है, बिगिंट का साइज 8 बाइट होता है. इसी तरीके से और नीचे जाएंगे डेसिमल वैल्यू. तो डेसिमल वैल्यू आपकी जो डाटा स्टेप होता है वो 10^3 यानी 308 डिजिट की संख्या है. इसका साइज 8 बाइट होता है और डेसिमल डाटा टाइप को यूज करने का तरीका कुछ ऐसा है. यहाँ पर आप देख सकते हैं 5, 2, इसका मतलब टोटल 5 डिजिट, कोमा के बाद 2 डिजिट. तो इस तरीके से आप डाटा सपोर्ट करवाते हैं. इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपको कोई टेक्स्ट वैल्यू स्टोर करनी है तो आप डाटा टाइप यूज कर सकते हैं कैर या फिर स्टैटिक. कैर या फिर वेक्टर, इन दोनों में क्या फर्क होता है. मान लीजिए आपने कैर लिखा और यहाँ पर साइज दिया, एग्जांपल के रूप में कैर 3 लिखा. अब आप उसमें कोई भी डाटा डालेंगे वो मैक्सिमम 3 लेटर का होना चाहिए. अगर आपने राजू डालने की कोशिश करी तो ये आपको एरर देगा, लेकिन राज डालोगे तो ओके करेगा बिकॉज ऑफ दिस साइज. अब यहाँ पर जो साइज की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम 8000 तक हो सकती है. इससे बड़ा नंबर अगर आप डालेंगे तो एरर दे देगा, इससे बड़ी वैल्यू वो लेता ही नहीं है. कैरेक्टर में जो भी आप डाटा डालते हैं, अगर ये डाटा टाइप आप यूज करते हैं तो ये स्टैटिक होता है. एक बार आपने जो साइज डाल दिया वो मेमोरी फिक्स कर लेता है, ठीक है, उस डाटा का फिर कोई बंदा यूज नहीं कर पाए. अगर आपको डायनेमिक मेमोरी चाहिए तो आप वेरकर यूज कर सकते हैं. सेम तरीका देने का होता है, साइज दिया, ये डायनेमिक होता है. इसकी भी साइज वैल्यू 8000 होती है. अगर आपको इसमें 8000 से भी ज्यादा डाटा डालना है तो आप वहां पर मैक्स नाम का कीवर्ड यूज कर सकते हैं. इसकी रेंज होती है 2,14,00,000. बहुत बड़ा डाटा इसमें जा सकता है. इससे भी आपका मन नहीं भरता, इससे भी बड़ा डाटा अगर आपको चाहिए तो आप डाटा टाइप टेक्स्ट यूज कर सकते हैं. ये 2 GB का टेक्स्ट डाटा ले सकता है अथवा डाटा हमारे पास आ जाएगा. लास्ट डाटा टाइप होता है डेट. किसी की डेट ऑफ बर्थ, किसी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग, अगर कोई डाटा डेट फॉर्मेट में चाहिए तो आप डेट टाइप का यूज कर सकते हैं. इसमें जब भी कोई डाटा इंसर्ट किया जाएगा तो इंसर्ट करने का जो फॉर्मेट होगा वो आपको यही फॉलो करना है, 4 बार Y, फिर 2 बार MM और 2 बार DD. चलिए नीचे अब हम टेबल बनाना सीखते हैं. किसी भी टेबल को बनाने के लिए आपके पास एक सिंटैक्स होगा, आप इस सिंटैक्स को फॉलो करेंगे. यहाँ पर लिखा गया क्रिएट टेबल, टेबल का नाम. उसके बाद आप राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे. आपको जो भी टेबल बनाना होता है, टेबल में एट्रीब्यूट्स होते हैं, आप उनके नाम लिखें, डाटा टाइप बताएं, कॉमा लगा के ऐसे ही आप प्रोसेस फॉलो करते हैं. आपकी टेबल तैयार हो जाएगी. नीचे एक एग्जांपल देखते हैं टेबल बनाने का. नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट टेबल को बनाया गया जिसमें पहला एट्रीब्यूट है आईडी, डेटा टाइप, नेम, डेटा टाइप, डेट ऑफ बर्थ, डेटा टाइप, मेल, डेटा टाइप, कॉन्टैक्ट नंबर, डेटा टाइप. टेबल को बनाने के बाद आप इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करके रन कर देंगे. तो चलिए हम एक टेबल बनाते हैं. यहाँ पर जाएंगे हम SQL सर्वर में और एक टेबल क्रिएट करते हैं. तो वही मैं स्टूडेंट टेबल यहाँ पर क्रिएट करता हूँ. मैं यहाँ लिखूंगा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ब्रैकेट स्टार, क्लोज. अब हम इसमें टेबल के एट्रीब्यूट्स बनाएंगे. पहला एट्रीब्यूट्स लिखा स्टूडेंट आईडी, एक ही जो. दूसरा एट्रीब्यूट्स लिखा स्टूडेंट नेम, यहाँ पर उसका साइज मेंशन कर दिया, वेल कैर. तीसरा एट्रीब्यूट लिखा मैंने, यहाँ पर देख लेते हैं, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ. अब इसमें डेटा टाइप हम डेट का लेंगे. नेक्स्ट लिखा हमने एट्रीब्यूट स्टूडेंट ईमेल. इसके लिए डाटा टाइप वेक्टर लेते हैं, ईमेल का साइज 50 तक हम दे देते हैं. नेक्स्ट लिखा स्टूडेंट फोन नंबर, इसका डाटा टाइप हमने दे दिया बिगिन, न्यूमेरिक होता है, बिगिन दे दिया. टेबल बनने के बाद हम आप इसे रन करेंगे, पूरा सेलेक्ट कीजिए और एग्जीक्यूट कर दीजिए, आपकी टेबल बन जाएगी. टेबल अब आप चेक करिए, इसमें आपको ये बनी हुई टेबल दिखाएगा.
देखो आने लगा। अब इस टेबल का स्ट्रक्चर कैसे चेक करते हैं, कल को कोई टेबल अगर आप बना देते हैं और आपको उसका स्ट्रक्चर चेक करना है, क्योंकि आपने एक कमांड लिखी हुई तो आपको पता है कि इस टेबल में कितने कॉलम है, उनके डेटा टाइप क्या है, कल को ये कमांड अगर डिलीट हो गई तो क्या करोगे, क्या करोगे, समझ लो कोई बनी हुई टेबल आपको मिल जाए तो कैसे पता करोगे। उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है, टेबल का स्ट्रक्चर चेक कर सकते हो उससे, उस कमांड का नाम होता है sp_help। यहाँ पर आप टेबल का नाम लेंगे तो हमारे टेबल का क्या नाम था, स्टूडेंट। ये मुझे टेबल की पूरी जानकारी बताएगा, आप रन करें तो देखिए पूरी जानकारी आ गई, टेबल कब बनी, किस समय बनी, यूजर टेबल है, कॉलम के नाम है, डेटा टाइप है, उनका साइज है, ओके सारी जानकारी आपको देगा, किस टेबल पे कौन सा की लग रहा है वो नीचे बताए। अभी हमने टेबल पे कोई की नहीं लगाया है किसी के ऊपर भी, तो नीचे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। अब हम बात करते हैं टेबल में रिपोर्ट एंटर कराने की, तो यहाँ पर आते हैं, बैक करते हैं, टेबल स्ट्रक्चर आपने चेक करा। अब बात करते हैं टेबल में रिपोर्ट इंसर्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले आप उसका सिंटैक्स देखिए, आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल के जिस जिस एट्रीब्यूट में आपको रिपोर्ट एंटर करने हैं आप लिखेंगे एट्रीब्यूट के नाम, फिर लिखेंगे वैल्यूज, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, लास्ट में लगाएंगे सेमी कॉलन, और आपको जो जो वैल्यू डालनी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। वैल्यू डालते समय आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, कोई भी न्यूमेरिक डाटा जब आप एंटर करेंगे तो वो विदाउट डबल कोट्स में डालेंगे, यानी उसको किसी भी कोट्स में बंद नहीं करते। लेकिन अगर आप कोई भी टेक्स्ट डाटा डालते हैं या कोई भी डेट टाइप का डाटा डालते हैं तो उसको हमेशा कोट्स में डालकर एंटर करें। एक नीचे एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए मुझे रिपोर्ट एंटर करना है तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पर फील्ड बतानी है किस किस में आपको रिपोर्ट एंटर करना है, वैल्यूज लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए मेरे को आईडी इंसर्ट करना था, मैंने डाल दिया राजेश फलाना फलाना, मैंने इसको डबल कोट्स में नहीं डाला बिकॉज इट्स अ नंबर, ये नंबर का मुझे पता कैसे चल रहा है, इसके डाटा टाइप से। कॉन्टैक्ट का डाटा टाइप चेक करो, कॉन्टैक्ट का डाटा टाइप हमने क्या लिया, बिगिंस। आईडी का डाटा टाइप क्या लिया, वैकर, वैकर, डेट, वैकर, तो सभी को किस में डाला है मैंने, कोट्स में डाला है, यू कैन सी। इसी चीज का ध्यान में रखिए, चलिए अब हम टेबल इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिक डाटा टाइप मेरे पास दो है, आईडी और फोन नंबर, तो इनको मैं कोट्स में नहीं डालूंगा, बाकी सबको मैं कोट्स में एंटर करूंगा। तो टेबल में डाटा इंसर्ट करने के लिए कमांड लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल की फील्ड के नाम, जिस जिस फील्ड का नाम आप डालेंगे उसी में वैल्यू जाएगी। अगर आप किसी फील्ड का नाम यहाँ मेंशन नहीं करते तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट नल चला जाएगा। तो हमने यहाँ पर डाला स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट मेल, कॉलम के नाम गलत नहीं करते हैं, जो टेबल में कॉलम के नाम है वही आप डाले यहाँ, स्टूडेंट फोन, देन लिखे वैल्यूज। अब रिपोर्ट एंटर कर दे, एक रिपोर्ट चला जाएगा, कल को आपको दूसरा रिपोर्ट डालना है कॉमा लगा के फिर से स्टार्ट करें, एक से ज्यादा रिपोर्ट आप डाल सकते हैं, इंसर्ट नहीं लिख रहे, कॉमा लगा के रिपोर्ट डालना है बस, इससे एक रिपोर्ट जाएगा अभी, ओके सेमीकोलन लगा दें, एक रिपोर्ट जाएगा, रिपोर्ट डालते हैं। स्टूडेंट आईडी मैंने डाली 1 बिकॉज ये इंट था, नीचे देख सकते हैं इंट था, इसलिए कोट्स नहीं लगाएंगे, बाकी सब में कोट्स लगाएंगे। अब दूसरा रिपोर्ट जाएगा नाम में, नाम मैंने डाला राज, डेट ऑफ बर्थ में जाएगा, डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट मैंने बताया था आपको, पहले डालेंगे आप ईयर, उसके बाद आप डालेंगे मंथ, उसके बाद आप डालेंगे तारीख। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, ईमेल आईडी, उसके बाद डालेंगे फोन नंबर। पहला रिपोर्ट जा चुका है, अगर आपको एक और रिपोर्ट डालना है तो कॉमा लगाकर आप ऐसे ही भर सकते हैं, तो इससे हम एक साथ मल्टीपल रिपोर्ट डाल सकते हैं। चलिए एक रिपोर्ट और डाल देते हैं, रिपोर्ट नंबर 2, मनीष, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर टेलीफोन नंबर। अब आप इस टेबल को रन कर देंगे, जैसे ही आप इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करके रन करेंगे आपका डाटा चला जाएगा, एग्जीक्यूट हो गया, दो रिफ्लेक्टेड। अब इस टेबल में रिकॉर्ड को चेक करेंगे, इस टेबल में रिकॉर्ड कहाँ पर है, चेक करने के लिए कमांड होती है सिलेक्ट नंबर, आप लिखेंगे सिलेक्ट और मुझे टेबल के सभी कॉलम चाहिए, तो स्टार्ट, अगर आपको सिर्फ नाम देखना है तो लिखेंगे एस नेम फ्रॉम टेबल का नाम, ये सिर्फ आपको उस टेबल से नाम बताएगा, सिलेक्ट करें, रन करें, तो केवल क्या दिखा रहा है, नाम दिखा रहा है, मुझे सभी कॉलम चाहिए तो मैं स्टार लगाऊंगा, स्टार का मतलब ऑल कॉलम्स होता है, ओके। हम यहाँ पर स्पेसिफिक कॉलम देखना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो कॉलम के नाम मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मुझे नाम को पहले देखना है, उसके बाद मुझे ईमेल को देखना है,
उसके बाद मुझे आई डी को देखना है। तो जिस ऑर्डर में आपने डाटा लिखा है उसी ऑर्डर में अब आपको वो डाटा दिखाएगा। टेबल में जो कॉलम के नाम यूजर को दिखाई दे रहे हैं इनके नाम बदले जा सकते हैं, लेकिन रियलिटी में जो टेबल में कॉलम के नाम है वो नहीं बदले। यूजर को देखते वक्त आप यहाँ ये नहीं दिखाना चाहते, आप दिखाना चाहते हैं नेम, तो यहाँ पर इसका नाम बदला जा सकता है एस करके, आप यहाँ पर इसका एक डुप्लीकेट नेम दे दें। तो मैंने एस करके आर से कहा टेबल को कि ये मत दिखाओ ये दिखाओ, तो वो कॉलम का नाम आपको एस नेम नहीं दिखाएगा, नेम दिखाएगा। लेकिन रियलिटी में वहां टेबल में जो कॉलम का नाम है वो एस नेम ही है, सिर्फ आपको दिखाया गया है। इतना समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी कॉलम में अगर आप रिपोर्ट नहीं डालते हैं तो क्या होता है। पहले पूरी टेबल हम एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। टेबल हमने सिलेक्ट कर लिया, अब मैं इसमें कुछ पर्टिकुलर सेट्स होंगी जिसमें मैं रिपोर्ट नहीं डालूंगा। तो इंसर्ट करने की कमांड एक बार आप यहाँ से कॉपी कर लें, बार बार लिखने से अच्छा है आप कॉपी कर लें, क्योंकि सेम कमांड हमें लिखना है। अब मैं यहाँ पर जिस जिस एट्रीब्यूट में रिकॉर्ड नहीं डाल रहा हूँ, अब ध्यान से देखिए, मैं डेट ऑफ बर्थ में रिकॉर्ड नहीं डालता, मैं फोन नंबर में रिकॉर्ड नहीं डालना चाहता, तो मैं यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को रिमूव कर दूंगा, फोन नंबर को रिमूव कर दूंगा और मैं यहाँ से रिकॉर्ड को चेंज कर देता हूँ। तो रिकॉर्ड सिर्फ आई डी नेम और ई मेल आई डी में जा रहा है। तो बाकी के फील्ड में जहां मैंने रिपोर्ट नहीं डाला है वहां पर नल चला जाएगा। आप इसे रख कीजिए, आप टेबल को चेक कीजिए, तो आपको वहां पर दिखेगा डेट ऑफ बर्थ में नल चला गया, फोन नंबर में नल चला गया। सो ये होता है तरीका टेबल में रिपोर्ट डालने का। तो हमने देखा सारा डाटा कैसे डालना है, हमने देखा एक साथ मल्टीपल रिपोर्ट कैसे डालते हैं, हमने देखा कि किसी फील्ड में रिपोर्ट नहीं डालते हैं तो क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में डाटा को सिलेक्ट करना। डाटा सिलेक्ट कैसे किया जाता है टेबल से, तो हाउ टू सिलेक्ट द स्पेसिफिक रिपोर्ट कंडीशनली, यानी कंडीशन लगाकर डाटा सिलेक्ट करना। अभी हमारे पास क्या होता है कि जब हम कोई डाटा सिलेक्ट करते हैं तो सिंपली ये कमांड रन कर देते हैं और ये मुझे क्या करता है, ये मुझे पूरा का पूरा टेबल का डाटा लाकर दिखा देता है। लेकिन मुझे ये डाटा नहीं देखना, मुझे वो डाटा देखना है जो हम चाहते हैं। तो स्पेसिफिक कोई कंडीशन लगाकर डाटा देखना चाहते हो तो वहां पर लगता है वेयर क्लोज, वहां पर लगता है वेयर क्लोज। जैसे मान लीजिए किसी ने हमको बोला कि मुझे वो डाटा इसमें से लाकर दिखाइए जिसकी स्टूडेंट आईडी 2 है, तो हम इस कमांड को कुछ ऐसे ही रन करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अब हम लगाएंगे वेयर क्लोज और यहाँ उसको बोलेंगे जिसकी आईडी 2 हो। अब हम अगर इस कमांड को चलाते हैं तो ये उस डाटा को पिक करके लाएगा जिसकी आईडी 2 होगी, यू कैन चेक इट। ऐसे ही हम इसमें अलग अलग कमांड रन कर सकते हैं। अब अगर कोई बोलता है कि वो डाटा निकाल कर लाइए जिसकी ईमेल आईडी pankaj@gmail.com है, तो हम अपनी कमांड को कुछ ऐसे लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट ईमेल आईडी इज इक्वल टू pankaj@gmail.com। अगर ये होगा तो आ जाएगा। लेट सपोज किसी ने बोला पंकजू नाम की आईडी निकाल कर लाओ, ये है ही नहीं तो कहां से आएगा, कुछ नहीं बताएगा वो आपको, इश्यू रन कुछ नहीं बताएगा, कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन आप अगर सही डाटा डालते हैं, रिकॉर्ड मिल जाता है तो वो आपको मैसेज देगा कि भाई देखो रिकॉर्ड आ गया है, यू कैन चेक इट। अब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डोमेन से आपको रिकॉर्ड निकालना है, जैसे कि मान लीजिए मुझे वो रिकॉर्ड निकालना है जो कि नल है, जो कि नल है, नल रिकॉर्ड निकालना चाहता हूं, यानी कि टेबल में ये डाटा है। मैंने आपसे पूछा मुझे उन लोगों का डाटा दो जिनका फोन नंबर अभी तक सिस्टम में है ही नहीं, यानी कि मुझे डाटा चाहिए पंकज का क्योंकि इसका फोन नंबर अपडेट नहीं है सिस्टम में, तो हम वो रिकॉर्ड निकाल के लाना चाहते हैं जिसका फोन नल है। तो रिकॉर्ड को कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, आप लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, उसके बाद लिखेंगे वेयर स्टूडेंट फोन नंबर इज नल। इसको आप इस तरीके से ना लिखें, कई लोग इसको ऐसे लिखते हैं, कंपेयर करते हैं, क्योंकि नल ना तो कोई वैल्यू होती है, नल ना तो कोई स्पेस होता है, नल ना तो ब्लैंक होता है, तो नल को इस तरीके से कंपेयर नहीं करना है। तो नल वैल्यू निकालने के लिए आप लिखेंगे एस फोन यानी कॉलम का नाम इज नल, अगर उसको ये कॉलम नल मिलता है तो रिकॉर्ड दिखाएगा, यू कैन चेक इट। तो रिकॉर्ड आने लगा, ऐसे ही जिसकी डेट ऑफ बर्थ नल हो तो आप डालेंगे तो वो डेट ऑफ बर्थ वाले रिकॉर्ड को उठा लेगा जिसका रिकॉर्ड नल हो, यू कैन चेक इट। ओके, अब ऐसे ही मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि मुझे वो रिकॉर्ड निकाल के दिखाइए जिनके फोन नंबर एग्जिस्ट करते हैं,
जिनके फोन नंबर एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ वो डाटा मुझे चाहिए, बाकी का डाटा नहीं लाना है आपको। तो आप कमांड लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट फोन नंबर इज नॉट नल। अब ये उन्हें उठाएगा जिनके फोन नंबर नल नहीं है, यानी कि रिकॉर्ड आपके सामने। तो इस तरीके से हम अपनी कंडीशंस फायर करेंगे यहाँ पर। अब हम सीखते हैं डिलीट कमांड। टेबल में कोई डाटा जब चला जाता है तो डाटा किस तरीके से डिलीट किया जाता है। डिलीट कमांड हम तब यूज करते हैं जब टेबल में से एक एक रिकॉर्ड डिलीट करना हो आपको, कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना हो तब हम डिलीट कमांड यूज करते हैं। लेकिन टेबल को पूरा का पूरा डिलीट करना हो, टेबल में लाखों रिकॉर्ड है, एक एक करके कब तक डिलीट करोगे आप, तब हम वहां पर ट्रंकेट कमांड यूज करते हैं। दोनों कमांड का एक और मकसद होता है, कोई रिकॉर्ड अगर आप डिलीट कमांड से डिलीट करते हो तो उसको अंडू किया जा सकता है, उसको रोल बैक किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने किसी टेबल की डाटा को ट्रंकेट से डिलीट किया है तो वो रिकॉर्ड अंडू नहीं होगा, वो रिकॉर्ड आपका रिट्रीव नहीं होगा, उसको रिकवर नहीं कर पाओगे आप। तो देखते हैं ट्रंकेट कमांड और डिलीट कमांड में फर्क। हमारे पास फिलहाल अभी ये डेटा मौजूद है, अब मैं इसमें से रिकॉर्ड डिलीट करूंगा जिसकी आईडी नंबर 2 है, जिसका रिकॉर्ड नंबर 2 मौजूद करता है। अब वो रिकॉर्ड मैं डिलीट करना चाहता हूं, तो आप यहां पर लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, उसके बाद लिखेंगे कंडीशन वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 2। तो जिसका रिकॉर्ड 2 होगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा सिस्टम से खत्म। एग्जीक्यूट किया, अब आप टेबल को चेक कर लीजिए, रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। अगर आपको पूरा ही डेटा डिलीट करना है हमेशा हमेशा के लिए, तो आप यूज करेंगे ट्रंकेट कमांड। आप लिखें ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम, जैसे ही आपने ये लिखा आपकी टेबल खत्म। ट्रंकेट की स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, ट्रंकेट TRU, तो TRU आपको वहां पर लिखना है, ट्रंकेट टेबल, टेबल का नाम, टेबल का सारा डेटा नेस्ट होना वो। अब आप रन करें, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये होता है डिलीट और उसका फर्क। तो अब टेबल तो खत्म कर लिया, रिपोर्ट डाल लेता हूं मैं, कमांड लिखी थी हमने, हमारे काम आ गई है, तो इसको फिर से डाल लेते हैं। तो मैदान फिर से हरा भरा हो गया। सो नाउ वी आर हैविंग द कमांड अगेन। विंडो देखो ये छूट गई है मुझसे, है ना। अब इस विंडो को कैसे एडजस्ट करूंगा, यहाँ बीच में क्लिक करके ये फ्लोट हो गई, फिर से विंडो लॉक हो गई हमारी। सो नाउ अगेन वी आर हैविंग द डेटा। हमने देखा यहाँ पर इंसर्ट कमांड, हमने देखा क्रिएट कमांड, टेबल बनाना, डाटाबेस बनाना, डाटाबेस यूज करना, टेबल के डाटा टाइप बनाना, टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना, एक करके, मल्टीपल करके, नल करके, डाटा सिलेक्ट करना, नल वाला, नॉट नल वाला, डाटा को डिलीट करना, डाटा को पूरा डिलीट करना, इतना सब कुछ पढ़ चुके हैं हम। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम सीखेंगे डाटा को चेंज कैसे किया जाता है, मॉडिफाई कैसे किया जाता है। डाटा को मॉडिफाई करने के लिए सिंटैक्स है यहाँ पर, प्रॉपरली सिंटैक्स को आप फॉलो करेंगे तो डाटा मॉडिफाई हो जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। मान लीजिए आपके पास ये डाटा है और मुझे डाटा अपडेट करना है, मुझे डाटा अपडेट करना है जिस स्टूडेंट की आईडी 3 है, मुझे उसका फोन नंबर चढ़ाना है सिस्टम में। तो इसको हम कैसे चढ़ा सकते हैं, आप लिखेंगे अपडेट टेबल का नाम, आप करेंगे सेट, किस कॉलम में डाटा सेट करना है उसकी डिटेल लिखे, मुझे इसमें एक नया डाटा डालना है, डाटा आप यहाँ पर एंटर करा दीजिए। उसके बाद लगेगी कंडीशन वेयर स्टूडेंट की आईडी 3 हो। अब ये क्या करेगा, जिसकी आईडी 3 होगी उसका फोन नंबर अपडेट हो जाएगा, लेकिन मैं साथ में उसका डेट ऑफ बर्थ भी अपडेट करना चाहता हूँ, तो एक साथ कर सकते हो आप, कॉमा लगाइए, उसके बाद लिखिए स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ और उसकी नई डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप डाल दीजिए। हमने उसकी नई डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना स्टार्ट किया, ये डाला मैंने इसका तीसरा महीना और यहाँ पर डाला हमने ये तारीख। अभी क्या करेगा, इसकी आईडी 3 होगी, उसका फोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दोनों अपडेट कर देगा, सिलेक्ट कीजिए और एग्जीक्यूट कर दीजिए, वन रो फैक्टेड। अब आप टेबल को चेक कर सकते हैं, आपका डेटा अपडेट हो चुका है। कई लोग इसको अपडेट करने के लिए इंसर्ट फायर कर देते हैं, इंसर्ट से हमेशा नया रिकॉर्ड जाएगा। कोई पहले से बना हुआ डेटा है और उसमें कुछ आपको चेंजेस करने हैं तो वो आप अपडेट से कर सकते हैं। और मैंने कोई रिकॉर्ड डेट ऑफ बर्थ में नया इंसर्ट नहीं करा है, डेट ऑफ बर्थ में पहले से एक रिकॉर्ड इंसर्ट था, वो था नल, हमने उसको चेंज करा है, नल को हमने चेंज करा है, ये ध्यान रखना, हमने इंसर्ट बिल्कुल नहीं करा है। तो अपडेट कमांड इस तरीके से आप फायर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सीखते हैं इसमें ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड केवल आपके स्ट्रक्चर पे काम करती है, डेटा पे काम नहीं करती है। इसका इस्तेमाल कर सकते हो टेबल में कोई नया कॉलम लगाना हो, टेबल में से कोई कॉलम हटाना हो, टेबल के किसी कॉलम का डेटा टाइप बदलना हो, तो वहां पर ऑल्टर कमांड बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है। मान लीजिए ये टेबल है आपके पास और इस टेबल के अंदर आप एक कॉलम लगाना चाहते हो,
और उस कॉलम का नाम है स्टूडेंट एजुकेशन। अब ये कॉलम लगाना भूल गए, हम लगाना चाहते हैं, तो इसमें ऑल्टर कमांड से टेबल का कॉलम लगाया जा सकता है। एक बात ध्यान रखना, अगर आप इसमें उससे नया कॉलम लगा देते हो तो उन सभी को डिफॉल्ट वैल्यू नल मिल जाएगी, क्योंकि इसमें तीन रिकॉर्ड एंटर है, तो इन तीनों को डिफॉल्ट वैल्यू नल असाइन कर देगा। तो देखिए इसमें नया रिकॉर्ड कैसे लगाया जाता है, नया कॉलम कमांड यूज करेंगे ऑल्टर, आप लिखेंगे टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद लिखेंगे आप ऐड, कौन सा कॉलम ऐड करना चाहते हैं, स्टूडेंट एजुकेशन, उसका आप लिखेंगे डेटा टाइप, और ये काम हो गया आपका फिक्स। अब आप इस कमांड को रन कर लीजिए, आप देखेंगे कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इसका अर्थ है कुछ ना कुछ हुआ है सिस्टम में। आप देखिए एक नया कॉलम ऐड हो गया। अब कोई बोलता है कि यार इसकी एजुकेशन डालो जिसकी आईडी 1 है, चलो सबकी एजुकेशन आपको डालनी है बीसीए सभी की, तो सभी की एजुकेशन बीसीए डालनी है, कमांड हमारी वही चलेगी अपडेट कमांड, अपडेट। कई इसी चीज को जब बोलते हैं ना कि डालो डालो बार, तो उनके दिमाग में इंसर्ट चला जाता है और वो इंसर्ट फायर करने लगते हैं, इंसर्ट फायर करने से नया रिकॉर्ड चला जाता है, नल है हमें चेंज करना है। आप लिखेंगे स्टूडेंट, सेट करेंगे स्टूडेंट एजुकेशन, और स्टूडेंट एजुकेशन में मैंने सेट कर दिया बीसीए, और यहाँ लगाई कंडीशन, सिंगल कोट्स में डाला जाता है डाटा बीसीए, और यहाँ पर आपने लगाई कंडीशन। कंडीशन अगर आप लगा देंगे तो स्पेसिफिक डाटा को अपडेट करेगा, लेकिन कंडीशन नहीं लगाओगे तो पूरी टेबल को अपडेट कर देगा ये। यू कैन एग्जीक्यूट एंड सी, पूरी टेबल अपडेट हो चुकी है, यू कैन चेक यूर डेटा, हर एक किसी की एजुकेशन बीसीए आ चुकी है। स्पेसिफिक अगर आप वेयर कंडीशन लगाते तो उसी का अपडेट मारता। अगर मैं लिखता वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 3 और इसके डाटा को मैंने कर दिया एमसीए, तो ये इसको एमसीए बना देगा। ये कैन फायर एंड चेक कर लीजिए, नीचे जाके अब हम चेक करते सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और आपका ये डाटा यहाँ पर आपको अपडेट होते हुए दिख जाएगा। अभी हमने देखा नया कॉलम कैसे ऐड करते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कोई कॉलम डिलीट कैसे किया जाता है। मान लीजिए इसमें फोन नंबर का एक कॉलम है, मुझे नहीं चाहिए, मैं हटाना चाहता हूँ इसे, तो फोन नंबर का कॉलम हम डिलीट करने जा रहे हैं। कमांड आपकी चलेगी ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद आप लिखेंगे ड्रॉप कॉलम, और जो कॉलम आपको ड्रॉप करना है उसका नाम लिख दीजिए, एच फोन, मुझे एक और करना है एच ईमेल, समझ गए, जितने भी लिखोगे सारे कॉलम खत्म हो जाएंगे, तो मैं वो फोन करना है। कॉलम जब खत्म होगा तो डेटा भी चला जाएगा उसका। चलिए चला कर देखते हैं, नाउ एग्जीक्यूट, आपका खत्म हो गया डेटा, यू कैन चेक इट, उसमें फोन नंबर का कोई कॉलम मौजूद नहीं है। अब हम किसी का डेटा टाइप बदलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आईडी का डेटा टाइप क्या था, हम कैसे चेक कर सकते हैं किसी भी टेबल के डेटा के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके लिए हमने एक कमांड आपको बताई थी एसपी अंडरस्कोर करके, इससे मुझे टेबल का अंदरूनी स्ट्रक्चर पता लगेगा, इससे मुझे उसके डेटा टाइप का पता लगेगा। मैं इसका डेटा टाइप चेंज करके टेक्स्ट करना चाहता हूँ, ताकि मैं आगे से स्टूडेंट की जो आईडी है वो S1 S2 डाल सकूं। अभी फिलहाल मैं इसमें S1 S2 नहीं डाल पा रहा हूँ। द रीजन इज दैट डेटा टाइप इंट है, अगर आप डालेंगे S1 S2 तो ये आपको एरर देगा। चलिए इस चीज को भी हम एक बार चेक करके बताते हैं। ये देखिए स्टूडेंट आईडी चल रही है, मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट आईडी डालना चाहता हूँ S3, नाम है उस बच्चे का रजनीश, ये हो गई उस बच्चे की आईडी। ये मुझे देगा एक जबरदस्त एरर और बोल देगा भाई क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, आईडी में टेक्स्ट मत डालिए। ये देखिए आ गया एरर, इसको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे डाटा टाइप का कुछ पंगा आ गया। अब मैं इसके डाटा टाइप को क्यों ना बदल दूं ताकि ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। डाटा टाइप किसी भी टेबल का बदला जा सकता है, किसी भी कॉलम का बदला जा सकता है, उसके लिए कमांड ध्यान से देखिए क्या लिखते हैं। हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर लिखेंगे हम ऑल्टर कॉलम, कौन सा कॉलम बदलना था SID, अब मेंशन करेंगे उसका नया डेटा टाइप, नाउ फिनिश, आज से उसका डेटा टाइप बदल दिया जाएगा। आप फायर करें, डेटा टाइप बदल चुका है। चलिए उसके स्ट्रक्चर में जाके चेक करते हैं, आप देखेंगे कि डेटा टाइप बदला जा चुका है। अब इससे हमें क्या नॉलेज मिली कि अगर मैं अब इस कमांड को चलाऊंगा तो ये चलेगी, देन चेक इट। अब आप चेक कर लीजिए S3 नाम की एंट्री डेटाबेस में हो चुकी है। हमने ऑल्टर कमांड के तीनों रूपों को देखा, कॉलम डालना, हटाना, डेटा टाइप चेंज करना, ऑल्टर कमांड का काम यही तक होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट पर, जिसका काम है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड से हम किसी भी टेबल को ड्रॉप कर सकते हैं। टेबल को ड्रॉप करने का मतलब होता है टेबल के अंदर का डाटा भी खत्म हो जाएगा, टेबल का स्ट्रक्चर भी खत्म हो जाएगा, टेबल की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। जब आप ट्रंकेट फायर करते हो तो डाटा खत्म होता है, टेबल मौजूद रहती है,
डिलीट फायर करते हो तो एक रिकॉर्ड हटता है, पूरा रिकॉर्ड भी रहता है और टेबल भी मौजूद रहती है। ड्रॉप करोगे तो डाटा तो जाएगा ही जाएगा, टेबल भी चली जाएगी आपकी, आपको टेबल फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। तो चलिए ये भी हम एक बार फायर करके दिखा देते हैं आपको टेबल को ड्रॉप करना। तो टेबल को ड्रॉप करने के लिए आप कमांड फायर करते हैं ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। जैसा मैं करूंगा टेबल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, यू कैन चेक इट, टेबल जा चुकी है। अब आप देख लीजिए आपके सिस्टम में कितने टेबल हैं इस डाटाबेस में, बोलेगा कुछ नहीं है तो मेरे को फिर बनाना पड़ेगा, बना देते हैं फटाफट से। बनाया और बनाने के बाद रिकॉर्ड डाल देते हैं, ये डाल दिया। अब मैं टेबल को चेक करूंगा तो कम से कम मुझे अब ये दिखाएगा, देन चेक इट। अब मान लीजिए मेरे को डाटाबेस ही खत्म करना है, ये क्या नाम है डाटा एएसपी। अब डाटाबेस को अगर आपने ड्रॉप कर दिया तो इस डाटाबेस में अगर लाखों टेबल है, लाखों टेबल में अरबों रिकॉर्ड है, सब खत्म हो जाएगा तो कैसे बनाऊं। तो बड़ी खतरनाक और कॉम्प्लेक्स कमांड होती है, सोच समझ कर ध्यान से काम करें। तो डाटाबेस को ड्रॉप करना सीखते हैं, हम लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम आई थिंक सो डेटा एएसपी का। जैसे ही फायर करूंगा डेटाबेस ही खत्म, फायर। वो बोल रहा है कैन नॉट ड्रॉप द डाटाबेस, ओके। अब ये बोल रहे हैं कि आप इस डाटाबेस को अगर ड्रॉप करना चाहते हो तो पहले इस डाटाबेस से बाहर आओ। ये तो वही बात हो गई जैसे अगर मैं घर में खड़ा और बोलता हूँ बुलडोजर चढ़ा दो, तो पहले मेरे को घर से बाहर आना पड़ेगा। तो अगर मैं डाटाबेस को ड्रॉप करना चाहता हूँ तो मुझे घर से बाहर आना पड़ेगा, तो मैं किसी और के डाटाबेस में घुस जाता हूँ। उसके लिए मैं लिखूंगा यूज और कोई भी दूसरा डाटाबेस। तो हम आ जाते हैं अभी AIF के डाटाबेस में। अब मैं डाटा एएसपी ड्रॉप कर सकता हूँ। अब डाटा एएसपी कहीं मौजूद नहीं है, यू कैन चेक इट। अगर मैं इसे यूज करूंगा तो बोलेगा क्या कर रहे हो, डाटाबेस कहीं नहीं है। तो आई होप समझ में आ गए, मैं बना लेता हूँ, टेबल बना लेते हैं इसमें हम। अब मैं इस डाटाबेस को यूज करता हूँ, इसमें कोई टेबल नहीं है, टेबल को क्रिएट कर लेते हैं, एक दो रिकॉर्ड भी डाल लेते हैं, तो फिर दोबारा हम पहली वाली सिचुएशन में पहुंच गए। अब चेक करेंगे अगर हम टेबल, तो इसमें एक दो रिकॉर्ड मौजूद मिलेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा क्रिएट कमांड, ऑल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट कमांड और हमने क्या सीखा सेलेक्ट कमांड। जितनी मेन कमांड थी सारी सीखी हमने, यही तीन कमांड थी। बाकी का जो अगला टॉपिक है थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा, पहले इतना प्रैक्टिस कीजिए।